सवर्णों को एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को धक्का ना लगाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने एक हिस्टोरिकल निर्णय ले लिया है। एक सवर्णों में जो गरीब लोग हैं, जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है, ऐसे लोगों को जो 10% रिजर्वेशन है, ये 10% रिजर्वेशन देने का निर्णय हो चुका है। अभी कोर्ट में कोई भी जाएगा तो कोर्ट में चैलेंज करने की कोई भी कोशिश करेगी भी तो भी अभी राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया है, राज्यसभा लोकसभा में बिल को पास कर दिया है और अभी सवर्णों में जो गरीब लोग हैं उनको शिक्षा में और नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। तभी जो डीम यूनिवर्सिटीज है, प्रकाश जावड़ेकर जी ने अनाउंस कर दिया है कि भाई जहां जहां सभी डीम यूनिवर्सिटीज है वहां भी आरक्षण लागू होगा। नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए अभी ममता बनर्जी के नेतृत्व तो नहीं बोल सकते है, लेकिन ममता बनर्जी ने जो एक बहुत बड़ी रैली की है, रैली तो बड़ी थी क्योंकि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी बड़ी है ही है, लेकिन भारत में वो बड़ी नहीं है। उनकी सरकार वहां है तो वो तो वहां स्ट्रांग लीडी है ही है, तो 10 लाख लोग जमा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 22-25 पार्टी के नेता लोग वहां गए, भाषण निचोड़ कर आए और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हर आदमी बोल रहा था। इसका मतलब इनके मन में मोदी जी के बारे में बहुत बड़ा डर पैदा हुआ है और उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तो लेकिन नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े बहादुर नेता है और वो अभी बहुत सारे अच्छे निर्णय ले रहे हैं। सवर्णों के आरक्षण का निर्णय हुआ है, दूसरा अभी जो 1 तारीख को जो बजट आएगा, बजट मतलब जो वोट एंड अकाउंट आएगा उसमें बहुत सारी सुविधाएं देने का काम जरूर हो जाएगा। बहुत सारे जीएसटी के टैक्सेस कम करने का काम चल रहा है, पेट्रोल डीजल के भाव कम करने की कोशिश हो रही है और सभी देश के लोगों को राहत देने का काम मोदी सरकार की तरफ से हो रहा है। तो मुझे लगता है कि 2019 में जरूर यहां सपा बसपा एक साथ आए होंगे, लेकिन ये नेता लोग एक साथ आए हैं, जनता हमारे साथ है, मतलब वो आपको दिखाई देगा कि ये दोनों के जनता को एक गठबंधन पसंद नहीं है। आज तक दोनों एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं और यहां मायावती पूरे दलित वोटों पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रही है। मायावती के बारे में हमको आदर है कि भाई हमारे समाज की एक स्ट्रांग लेडी 4 बार मुख्यमंत्री